एक राहुल गांधी इकलौता आदमी है जो इसके मुंह में हाथ डाले हुए है, कभी राफेल को लेकर, कभी जस्टिस लोया को लेकर, कभी डिमोनेटाइजेशन को लेकर। नरेंद्र मोदी और उसकी मोहतरमा स्मृति ईरानी दोनों ने फर्जी एफिडेविट दिया था। वो तो अपनी बीवी को बीवी नहीं मानता था, याद है ना, जसोदा बेन को हम निकाल के लाए हैं कि उसकी एक बीवी भी है, वो जिंदा है। उसने कभी एफिडेविट पे लिखा ही नहीं था जसोदा बेन का नाम। वो हिंदुस्तान की जनता निकाल के लाई है कि जसोदा बेन से इसकी शादी हुई है, ये भागा हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री बता रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री 78 की लेकर कौन चाय बेचता है भाई? ये पूरा दिन कैमरा जीवी है ना, पूरा दिन मेकअप करके बैठा रहता है टीवी के आगे। आप मैं आज अमर को देख रहे हैं, क्या पता मेरा मर्डर हो जाए। दिल्ली में रहती हूँ, ट्रेस कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, जो भी मुंह खोलेगा उसी को मार देंगे। और अभी उत्तर प्रदेश में हम पूरा कॉन्स्टेंटली नजर बनाए हुए हैं, जीतने नहीं देंगे ठिगने आदमी को। जब महात्मा गांधी का कत्ल हो गया था, इतनी बड़ी शख्सियत पूरा वर्ल्ड मानता जिनको, हाँ खतरे हैं इसमें कोई डाउट नहीं। राहुल को खतरा है, मैं कह रही हूँ 2024 की बैठ नहीं है, 2024 तक हम नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं रहने देंगे। जो गुंडे को पालता है ना, गुंडा उसको एक दिन मार देता है। जो ये NSA है ना, ये इनकी गले का फांस बनेगा। वो नरेंद्र मोदी तो हिंदू है ना, अपनी बीवी को छोड़ के क्यों भागा है? तीन तलाक भी नहीं करना पड़ा इसको तो, ये तो किसी कोर्ट में भी नहीं गया। सबसे पहले FIR तो इसी पे होनी चाहिए कि ठग तू, झूठा तू, बेईमान तू, तेरी डिग्री फर्जी, तेरी एज फर्जी, तेरा जन्मदिन फर्जी, तेरी जो डॉक्यूमेंट फर्जी, एफिडेविट फर्जी। तो सबसे पहला केस तो नरेंद्र मोदी पे होना चाहिए ना। बहुत माहौल खराब है, घरों में भी नहीं बचोगे अगर सड़कों पर नहीं निकलोगे तो। देखिए 2014 से ही मुद्दे चल रहे हैं, एक भी मुद्दा मैं ना तो भूली हूँ ना भूलने दूंगी। एक राहुल गांधी इकलौता आदमी है जो इसके मुंह में हाथ डाले हुए है, कभी राफेल को लेकर, कभी जस्टिस लोया को लेकर, कभी डिमोनेटाइजेशन को लेकर, और अब तो किसान सड़कों पर है 10 साल से। देश का अन्नदाता जो रीढ़ है, किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है, किसानों से पंगा ले बैठा है मूर्ख। इसको कोई बताए कि अपनी कब्र खोद रहा है, अपनी कब्र खोद रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम 317 सीट लाने वाले हैं। हाँ, EVM से इन्होंने EVM का प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश से, और फिर से उत्तर प्रदेश की बारी है। लेकिन हम कॉन्स्टेंटली नजर बनाए हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, नरेंद्र मोदी और उसकी मोहतरमा स्मृति ईरानी दोनों ने फर्जी एफिडेविट दिया था कि मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA हूँ। मोहतरमा उनको कहा जाता है, उनकी मोहतरमा अगर उनकी बीवी है तो आप ये कैसे उनकी मोहतरमा? वो तो अपनी बीवी को बीवी नहीं मानता था, याद है ना, जसोदा बेन को हम निकाल के लाए हैं कि उसकी एक बीवी भी है, वो जिंदा है। उसने कभी एफिडेविट पे लिखा ही नहीं था जसोदा बेन का नाम। वो हिंदुस्तान की जनता निकाल के लाई है कि जसोदा बेन से इसकी शादी हुई है, ये भागा हुआ है बिना डिवोर्स के। और अब क्या नाम है, रही स्मृति की बात, एक नौटंकी को, अनपढ़ औरत को फेक एफिडेविट लगाती है। जितेंद्र तोमर आम आदमी पार्टी का MLA था दिल्ली में, उसपे भी यही इल्जाम था कि फर्जी डिग्री है, उसको तो अरेस्ट कर दिया। नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी दोनों पर सेम आरोप है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन कब तक आप कब तक करेंगे? इसके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री बता रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री 78 की लेकर कौन चाय बेचता है भाई? दिस इज ऑल नॉनसेंस। हम सबकी नजर है, पूरे हिंदुस्तान की नजर है। इस निजीकरण के खिलाफ जो लगातार आवाज उठ रही है, इससे सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पा रही है क्या? 100% नरेंद्र मोदी बिल में घुसा हुआ है, आप देख नहीं रहे? 9 महीने से जब से किसान सड़कों पर है, एक ट्वीट नहीं आया इसका। 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी है, आज तक इसका कोई ट्वीट देखा आपने? आपने देखा क्या? कोई ट्वीट नहीं करेगा ये आदमी, जबकि ये प्रियंका चोपड़ा की शादी पर ट्वीट करने वाला आदमी है। ये पूरा दिन कैमरा जीवी है ना, पूरा दिन मेकअप करके बैठा रहता है टीवी के आगे। कल 17 सितंबर था, प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उस दिन पूरे देश के अंदर बेरोजगारी दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। नहीं, ये तो हमारी बदकिस्मती है ना। वो पहली बात तो इसका जन्मदिन, जैसी इसकी डिग्री है ऐसा इसका जन्मदिन होगा। तो जब इसकी डिग्री एंटायर फेक बता रही है, फेक, इसका सब कुछ फेक है, ये टोटल फेक आदमी। इसका बॉडी लैंग्वेज देखो, ऐसे गुस्सा पड़ा है, किसानों की बातें सुनने की बजाय घर के अंदर घुस गया है। लेकिन देश, इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, इसको किसानों को जवाब देना ही होगा, बाहर आना ही होगा। लेकिन कहते रहे सबका साथ है, सबका विकास है, तो कह रहे सबका विश्वास है, सबका प्रयास भी साथ में। यस यस यस, ये मैंने कहा ना कि अनपढ़ आदमी है, इनको शब्दों का पता ही नहीं कि तुम शब्दों को कहाँ लगा रहे हो, कहीं भी जोड़ रहे हो कि सबका साथ सबका विकास दुबे करना है। विकास का तो दुबे कर दिया ना इसने, पूरा देश कह रहा था विकास को, विकास ने सरेंडर किया मध्य प्रदेश में, और फिर इन्होंने कहा, पूरा देश कह रहा रात को मार देंगे, और इन्होंने मार दिया। जस्टिस लोया को मार दिया, कोई जज बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जस्टिस लोया जितनी ऊंचाई पर कोई नहीं जाना चाहेगा, समझे आप? जस्टिस लोया जितनी ऊंचाई किसी को नहीं चाहिए। देश डरा हुआ है, पूरा देश अंदर घुसा पड़ा है, हर बोलने वाले शख्स की आवाज दबा दी जाएगी। यस, आप मैं आज अमर को देख रहे हैं, क्या पता मेरा मर्डर हो जाए। दिल्ली में रहती हूँ, ट्रेस कर लेंगे
तो कोई बड़ी बात नहीं, जो भी मुंह खोलेगा उसी को मार देंगे। लेकिन उसके दबाव में भी जो आज़ादी के मतवाले हैं वो चुप नहीं रहते। महात्मा गांधी को मार दिया था इन्होंने, मेरी तो औकात क्या है, गौरी लंकेश की औकात क्या है? महात्मा गांधी को मारने वाले लोग सत्ता पर काबिज है ना। दिल्ली में जो दंगा हुआ था पिछले जी साल, उसे लेकर क्या कहा जाए तो उस पर सवालिया निशान कोर्ट ने लगा, हाई कोर्ट उठाया, पुलिस पर उस संगीन उंगली उठाई गई कि भाई आप लोग सही से जांच नहीं कर पा रहे, ऐसा ही हो रहा है। हजारों लड़कों को जिंदगी खराब कर दी लॉकडाउन की आड़ में, दिल्ली दंगों के नाम पर हजारों लड़कों को गंदे गंदे कानून थोपकर अंदर ठोका गया है, जिनका वकील खड़ा करने का भी जुगाड़ नहीं है फैमिली का, तो वो या तो सड़ेंगे जेलों में, या कोई अच्छा प्रधानमंत्री आ गया तो उस पर एक्शन लेगा और उन बच्चों की जिंदगी बचेगी। फिर तबलीगी जमात करके जमात कर करके इन्होंने फर्जीवाड़ा किया। 15 साल का बच्चा यहाँ से गया जमात से उत्तर प्रदेश में कहीं पूर्वांचल में गोंडा गांडा। जिम्मेदार मानते हैं आप जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, इसमें हजारों लोग मारे गए, कितने लोग घरों से बेघर हो गए, गोधरा में मदरसों में आग लगा दिया, गोधरा जोड़ी जिन्होंने गोधरा कराया था उन्होंने दिल्ली कराया। केजरीवाल भी इसमें जिम्मेदार है क्या? नहीं, केजरीवाल तो बिल में घुसा हुआ है, डरा रखा उसको बेचारा, डरा हुआ है। केजरीवाल इज ए नाइस गाय, लेकिन वो डरा हुआ है, उसको सब पता है, जितना हम बोल रहे हैं उसको भी पता है। लेकिन वो बोलेगा तो उसके एमएलए, आपने देखा कितने धड़ाधड़ एमएलए अरेस्ट कर दिए थे कोई फर्जी डिग्री के आरोप में, छोटे छोटे आरोप में कि मुझे थप्पड़ मार दिया अंदर कर दिया, अपनी बीवी पे कुत्ता छोड़ दिया तो अंदर कर दिया, उसके 12-13 एमएलए इन्होंने पूरी कोशिश की थी, फिर सीएमओ रेड किया। तो फिर केजरीवाल ने इसको बोला, क्योंकि वो हरियाणवी है ना, उसने बोला कि मैं तेरी नींद आराम कर दूंगा, मैं शीला दीक्षित नहीं हूँ, तब जाके बिल में घुसा है ये। लेकिन हाँ, केजरीवाल प्रेशर में है। जिस तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के तमाम पिक्चर्स, विकास के मॉडल आपको, बंगाल के फ्लाईओवर आपको देखने को मिल रहा है कि लखनऊ काफी yes, है, yes, yes. तो वहाँ पर काफी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें दिखाई दी जा रही है, कैसे देखती हैं विकास? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली योगी ने तो विकास को विकास दुबे किया है, बस विकास दुबे किया, विकास ने किया है विकास दुबे, विकास की जगह विकास दुबे किया है। ठीक है, उसने फर्जी एनकाउंटर दिखाया, उसका घर तोड़ दिया, कारें तोड़ दी और फिर उसको मार दिया रात को कि एक्सीडेंट हो गया। यूपी पुलिस के पास तो स्टोरी भी एक ही है कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन गाड़ी पलट गई। लेकिन लोग तो विश्वास कर रहे हैं कि हाँ लखनऊ तो काफी डेवलप कर गया। कोई बात नहीं, इनका जवाब हम दे देंगे। अभी बंगाल में देखकर आए हैं किसान, और अभी उत्तर प्रदेश में हम पूरा कॉन्स्टेंटली नजर बनाए हुए हैं, जीतने नहीं देंगे ठिगणे आदमी को, छोटी फेंटा को। कांग्रेस कहाँ खड़ी नजर आ रही है आपको? कांग्रेस की बात यह है कि भाई जो भी जीतेगा वही कांग्रेस है, भाजपा नहीं चाहिए। से नो टू भाजपा, से नो टू आरएसएस, लेकिन बीजेपी नहीं, भाजपा नहीं चाहिए। वी हैव टू से नो टू कांग्रेस। कभी स्टैंड करेगी कांग्रेस? भी करेगी स्टैंड। राहुल गांधी बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान है, महात्मा गांधी के बाद अगर मैं किसी को मानती हूँ तो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी, जब महात्मा गांधी का कत्ल हो गया था, इतनी बड़ी शख्सियत पूरा वर्ल्ड मानता जिनको, तो आपको भी डर है राहुल गांधी का कत्ल हो जाएगा? ऐसा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ खतरे हैं, इसमें कोई डाउट, राहुल को खतरा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कहा जा रहा है कि राम राज्य आने वाला है। हाँ, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया, तो क्या लगता है राम राज्य नहीं चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं, हम तो राम मंदिर ही नहीं चाहिए, हमें क्यों चाहिए राम मंदिर? हमें कोई मंदिर मस्जिद चाहिए ही नहीं। बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको आप स्कूल दो ना, स्कूल दो, शिक्षा दो, बच्चे को पोषित हैं उनको दूध दो। आप ये क्या लोगों को आप निवाला दीजिए, शिवालों की बात ना करिए। तो हमें, हम बेकाई में नहीं आने वाला, कोई भी पढ़ा लिखा तबका को नहीं चाहिए राम मंदिर। राम मंदिर आप चंदा मांग मांग के, चंदाखोर चंदा मांग मांग के आप राम मंदिर बना रहे हैं, भीख मांग मांग कर। तो आप चंदाखोर हैं, चंदा चोर भी हैं, चंदा खोर, चंदा चोर, राम किशोर। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की बड़ी कोशिश की जा रही है, कोई प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहा है, कोई ये मनुवाद है, ये मनुवाद है, और लेकिन इनके चलेगी नहीं, क्योंकि 80-90% जनता SC BC OBC है, ST देश किसान मजदूर। मायावती की बदकिस्मती है कि वो कांशीराम जैसी शख्सियत के एजेंडे को जिंदा नहीं रख पाई, बदकिस्मती है ये। उनको हाईजैक कर लिया मनुवाद ने, किसके चंगुल में फंस गई हैं? जो अनाप शनाप धन कमाया है ना, वो CBI की रेड थे, वही डरेगा ना। अब जब आपने नहीं कमाया, मैंने नहीं कमाया, हम क्यों डरेंगे? हमारी गर्दन ले लो भाई। मायावती डरी है, मायावती का खाकी चड्डी है अंदर घुसी पड़ी है, ड्रगी। आजम खान इतना शानदार नेता, उसको भाजपा पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि वो चुप नहीं होता। जो चुप होता है, लालू प्रसाद यादव देश में इकलौते लीडर हैं जिन्होंने आज तक संघ को घुटने नहीं टेके। अगर घुटना टेकता तो रांची नहीं होता, बिरसा मुंडा जेल में, और बेटा मुख्यमंत्री होता, ये कैबिनेट मिनिस्टर होते,
लालू प्रसाद यादव SC BC OBC के लीडर हैं जिन्होंने आज तक घुटने नहीं टेके। तो क्या लगता है कि जिस तरह से यूपी में हरा के छोड़ेंगे, यूपी में भाजपा नहीं आने देंगे आप? लेकिन निजीकरण के खिलाफ जो आवाज लगातार उठ रही है, क्या सरकार तो निजीकरण क्यों करने देंगे हम? सरकारी चीजें आप ये देखिए, आप ये देखिए, जब तक सरकारी अस्पतालों में जाते थे, आपकी उम्र कम है तो 5 रुपए खर्चा आता था, आज सरकारी हॉस्पिटल तो काम ही नहीं कर रहे, निजीकरण को बढ़ावा दे दिया। मैं नाम नहीं लूंगी, हालांकि एक कांग्रेस का लीडर ही करके गया है ये 3 दशक पहले। तो जब 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल खुल गए, मेदांता, आर्टिमिस, मैक्स, अपोलो, होर्टिस, इनका खर्चा कहाँ से देगा? 90% आप दे पाएंगे क्या? कोई नहीं दे पाता इनका खर्चा। हमारा इलाज तो एम्स में होगा या PGI में होगा। अब एम्स का आप निजीकरण कर दिया तो इलाज के लिए कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? वो होगा ही नहीं, पे नहीं कर पाएंगे। युवा पीढ़ी, ये देश की जनता सब कुछ याद रखेगी क्या? याद जाती बड़ी जल्दी याद रखेगी, इलाज करेगी। राइट नाउ राइट हियर, मैं कह रही हूँ 2024 की बैठ नहीं है, 2024 तक हम नरेंद्र मोदी को PM नहीं रहने देंगे, उससे पहले गिरा देंगे सरकार 100%। अभी जिस तरह से भागना पड़ेगा इसको, हिटलर है ये, हिटलर। कोविड के टाइम में बहुत सारी जो महामारी बेघर हो गए लोग, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में लोग मारे गए। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहरों में, नदियों में और गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई थी। मैं तो कह रही हूँ कोरोना स्कैम था, जो घर पे रहा वो बच गया, जो जो हॉस्पिटल गया, जो हॉस्पिटल गया वही मर गया। अब इस स्कैम कैसे बता दो? ये स्कैम है, आप ये देखिए, जब वर्ल्ड वाइड कोरोना का इलाज ही नहीं है, ये कह रहे हमारे पास इलाज ही नहीं है, तो अंदर ले जाकर आप मरीज पे क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? मरीज तो मरेगा ना, आप कुछ भी दे रहे हैं और फिर आपको चले, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। डॉक्टर ने अगर मार दिया तो ना तो पोस्टमार्टम होगा मरीज का, क्योंकि आपको तो बैग में बंद करके देंगे ना। लोग अपने पैदल गए हॉस्पिटल और आए हैं, लाखों रुपए दे के बैग में बॉडी लेके आए हैं, आप जांच करवा लें, इसकी जांच होगी। लेकिन वहाँ पर जब ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी चीज की कमी नहीं थी, लोग बदनाम करने की कोशिश। आपको याद होगा डॉक्टर कफील खान, वो बहुत खूबसूरत इंसान है, वो जन सेवा करते हैं, बच्चों को पीडियाट्रिशियन है वो, और उनको 7.5 महीने जेल में रखा है बिना किसी, यस, बिना किसी कारण के। अब वो आए हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक लेकर आए हैं वो फैसला, उसमें कहा गया है कि इनका जो भाषण है वो तो मानवता परोसने वाला है, मोहब्बत परोसने वाला है, और उसको NSA लगा के अंदर कर दिया। तो NSA को इन्होंने खिलौना बना लिया है, लेकिन जो गुंडे को पालता है ना, गुंडा उसको एक दिन मार देता है। जो ये NSA है ना, ये इनकी गले का फांस बनेगा। क्या NSA जैसे कानून को खत्म कर देना चाहिए? दुरुपयोग हो रहा है, देखते हैं, कानून की मुझे उस कदर जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ दुरुपयोग तो बहुत ज़्यादा है, जैसे SC ST का भी हुआ है दुरुपयोग, बलात्कार का भी हुआ है, दहेज वाला भी हुआ है, तमाम कानूनों के दुरुपयोग होते रहते हैं समय समय पर, तो उनमें समय समय पर संशोधन जरूरी है। लेकिन BJP तो कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कर दिया, लेकर आए वो, जब वो नरेंद्र मोदी तो हिंदू है ना, अपनी बीवी को छोड़ के क्यों भागा है? 3 तलाक भी नहीं करना पड़ा इसको तो, ये तो किसी कोर्ट में भी नहीं गया, सबसे पहले कि FIR तो इसी पे होनी चाहिए कि ठग तू, झूठा तू, बेईमान तू, तेरी डिग्री फर्जी, तेरी एज फर्जी, तेरा जन्मदिन फर्जी, तेरी जो डॉक्यूमेंट फर्जी, एफिडेविट फर्जी, तो सबसे पहला केस तो नरेंद्र मोदी पे होना चाहिए ना। तो महिला, मुसलमान महिलाओं का क्या ये वो करेगा? मानसी सोनी की CID करवाता था, संजीव भट्ट को इसने अंदर डाला हुआ है, संजीव भट्ट IPS, बस उसने आज तक उसको बाहर नहीं आया है वो, और उसकी हियरिंग 6-6 महीने जा रही है। इसके बाप का राज है क्या? जुडिशरी पर ये कब्जा, और जजों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि जज आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अमिताभ ठाकुर को किस तरह से IPS अमिताभ ठाकुर कैसे घसीटा, देखो, और पुलिस वालों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो घसीटना नहीं चाहते, मजबूरी ऑर्डर, नहीं तो आपकी नौकरी जाएगी। आप नौकरी के लिए आप 10 लोगों को हटा दो, 1000 लोग लाइन में है, तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। आप व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर आप सड़कों पर उतरिए, जहाँ तक मेरा मैसेज आपका चैनल जहाँ तक पहुँच पाए, व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलकर फिलहाल सड़कों पर निकलना लाजिम है। बहुत माहौल खराब है, घरों में भी नहीं बचोगे अगर सड़कों पर नहीं निकलोगे।